हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगेन वंस अगेन। दोस्तों, आप में से हर किसी को कभी ना कभी तो दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा, या फिर आपको अभी भी इस सीजन में दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन हो रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही बरसात का सीजन आता है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक नमी बनी रहती है, मॉइस्ट जमा हो जाता है, जिसके कारण वह फंगस आके लग जाता है और वह फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसके कारण आपको दांत खाज खुजली होती है। पर दोस्तों, आप बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, बहुत सारे अपने मन से बहुत सारे ट्रीटमेंट करते रहते हैं, पर आपको उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दांत खाज खुजली का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या इसको परमानेंटली ठीक किया भी जा सकता है, फिर नहीं किया जा सकता है, इसी के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे फंगल इन्फेक्शन और ना बढ़े और वह जल्द से जल्द क्योर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी अमेजिंग वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाद जो होती है वह एक फंगल इन्फेक्शन होता है। जब आपके किसी भी पार्ट में थोड़ा नमी बनी रहती है, थोड़ा गीला रह जाता है और फिर वहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाता है, खासकर यह गर्मियों के सीजन में, फिर बरसात के सीजन में आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही आपकी वहाँ पर नमी बनी रहती है तो वहाँ पर एक फंगस इन्फेक्ट कर देता है और आपको दांत खाज खुजली हो जाती है। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आपने किसी का टॉवल यूज़ किया और उसको भी फंगल इन्फेक्शन था, उसको भी दांत खाज थी, तो फिर आपको भी होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग तीन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फंगल इन्फेक्शन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज हो सकती हैं। और दोस्तों, तीसरी बात करेंगे कि अगर फिर भी आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पर्सनल हाइजीन बना के रखना है, सिर्फ अपनी ही चीज़ों को यूज़ करना है, आपको दूसरों की चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको अपनी चीज़ों को गर्म पानी में वॉश करना है डेली, जैसे कि आपके अंडरवियर्स हुए, अंडर गारमेंट्स जितने भी हो, और इसी के साथ दोस्तों, कोई कपड़े भी धोना तो आप एक बार गर्म पानी में उन्हें धोएं और कुछ दिनों में अच्छी धूप में उन्हें सुखाएं। और इसी के साथ साथ जब भी आप नहा के निकलते हैं तो आपको अपने शरीर को अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही आपको ऑयल अप्लाई करना है, और इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद ही आपको कपड़े पहनना है, और इसी के साथ साथ आपको ऐसी जगह पर पाउडर अप्लाई करना है जहाँ पर आपको बहुत पसीना आता है या फिर आपको लगता है कि वह जगह मॉइस्ट हो सकती है या फिर आपको वहाँ पर दाद हो सकती है। तो दोस्तों, अब करते हैं खान पान की बात। तो दोस्तों, ना ही आपको ज़्यादा चीनी खानी और ना ही ज़्यादा नमक खाना है, और उसी के साथ साथ आपको खटाई भी कम से कम खानी है। आप या तो इन्हें कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर अगर खाना भी हो तो बहुत कम मात्रा में खाएं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको ऐसे सोप का इस्तेमाल करना है अपने शरीर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, जो कि नेचुरल हो, या फिर उसमें ऐसे केमिकल मिलाया गया जो कि बिल्कुल भी हार्श केमिकल ना हो, टॉक्सिन केमिकल ना हो, वरना आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग बढ़ सकती है और आपकी दांत खाज खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या क्या होम रेमेडीज हो सकती हैं जो कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है नीम। दोस्तों, नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट जैसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन से भी लड़ती हैं, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके ब्लड को भी प्यूरीफाई करके रखते हैं, जिससे कि आपको और भी बीमारियां नहीं होती हैं। और दोस्तों, जब आपका ब्लड प्यूरीफाई रहता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी प्रॉब्लम भी जाती है, और इसी के साथ दोस्तों, आपकी ओवरऑल बॉडी की प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। दूसरे नंबर पर आता है ग्लोए। अगर आप ग्लोए का रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे आपकी बात, पित्त, कफ तीनों की ही बीमारियां ठीक होती हैं और आपका बात, पित्त, कफ तीनों ही मेंटेन रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप ग्लोए का सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक भी साफ होता है, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कई बार दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हमें पेट ना साफ होने की वजह से भी होते हैं, जैसे कि पिंपल्स हुआ, एक्नेस हुआ, बहुत सारी स्किन की डिसीजेज पेट साफ ना होने की वजह से भी होते हैं। तो जब आप ग्लोए का सेवन करेंगे तो आपको पेट भी अच्छे से साफ होगा और आपको स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। दोस्तों, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है एलोवेरा। आपको जहाँ पर भी दांत खाज खुजली होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है किसी भी प्रकार का, तो आप इसको वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए रोज़, और इसी के साथ साथ आप हफ्ते में एक दो बार इसका जूस पी सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी की सारी स्किन डिसीजेज भी दूर होंगी और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक भी अच्छे से साफ होगा। अगर आपको ताज़ा नीम या फिर ताज़ा ग्लोए नहीं मिल पाती तो पतंजलि और भी कई सारी कंपनियों की यह टैबलेट भी मिलने लगी हैं, तो आप उन टैबलेट का भी सेवन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी हमारा फंगल इन्फेक्शन नहीं जाता है तो हमें क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों एक दिव्य कायाकल्प तेल आता है जो कि आप अगर फंगल इन्फेक्शन पर अप्लाई करते हैं, अपने दाद पर अप्लाई करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप कायाकल्प कैप्सूल भी ले सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आप यह स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या में चेंजेस करेंगे, तो आपको 100% बेनिफिट मिल जाएंगे। पर दोस्तों किसी किसी की बहुत सीवियर कंडीशन होती है, किसी किसी को फंगल इन्फेक्शन जाता ही नहीं है और उनको बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे R82 की सलाह ले सकते हैं। R82 एक होम्योपैथिक दवाई आती है जो कि आपके इन्फेक्शन को ठीक करती है। आपको किसी प्रकार की कितनी पुरानी दाँत खाज खुजली हुई हो, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वह बिल्कुल पूरी तरीके से उसको ठीक कर देता है। पर दोस्तों आप डायरेक्टली दवाई ना लेकर इन होम रेमेडी से आपको ठीक हो जाता है, तो आप पहले होम रेमेडी लें उसके बाद ये दवाई लेना शुरू करें। दोस्तों आई एम श्योर अगर आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन 100% ठीक हो जाएगा और आपकी सारी की सारी स्किन डिसीजेस ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ आया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।